सियासत में हर एक कदम के मायने होते हैं। अखिलेश ने भी बुधवार को जगन की तरफ कदम बढ़ाया तो दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक कयासों का बाजार गर्म होने लगा। चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि क्या आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन इंडिया में शामिल होने वाले हैं। हालांकि पहले इन तस्वीरों के मायने समझ लीजिए। दरअसल बुधवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में आंध्र प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर टीडीपी की सत्ता के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। देश के सबसे बड़े सूबे की पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के बीच हंसते मुस्कुराते संवाद वाली तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। जगन के साथ अखिलेश की ये तस्वीरें बीजेपी का टेंशन बढ़ाने वाली है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जगन मोहन के बहाने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू को भी सावधान कर दिया है। अखिलेश यादव ने जगन के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा की नकारात्मक राजनीति से उनके अपने दल के अलावा वो भी प्रभावित हो रहे हैं जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा अपने समर्थन वाली सरकार को विपक्ष के खिलाफ वो सब गलत करना सिखा रही है जो वो दूसरे राज्यों में करती है। आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार विपक्ष के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लक्षित करके उनके जान माल से लेकर मान तक को हानि पहुंचाई जा रही है, विपक्षियों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये सब भाजपाई साजिशें बहुत दिनों तक कामयाब नहीं होंगी। ये तो हुई जगन मोहन के समर्थन वाली बात, निशाना बीजेपी पर। लेकिन इसी पोस्ट के अगले हिस्से में अखिलेश यादव बीजेपी की सहयोगी पार्टी जिनकी बैसाखी के सहारे केंद्र की मोदी सरकार चल रही है यानी आंध्र प्रदेश में टीडीपी वाले नायडू और बिहार के जेडीयू वाले नीतीश को सावधान करते हुए बीजेपी का साथ छोड़ने को बोल दिया है। पोस्ट में लिखा है, भाजपा जब तोड़ फोड़ के मामले में अपने दल को नहीं छोड़ती है तो वो भला अपने सहयोगी दलों को क्या छोड़ेगी। समझदार लोग समय रहते इनका साथ छोड़ दें, इसी में समझदारी है। देश का हित सत्ता के हित से बड़ा होता है। दरअसल अखिलेश एक तरफ बीजेपी पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ इंडिया का कुनबा बढ़ाने के मिशन में जुटे हैं। साथ ही साथ समय दर समय बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी आईना दिखा रहे हैं ताकि कहीं कोई गुंजाइश बने और बात बन जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।